कोली समाज कोली महोत्सव का कार्यक्रम हर जगहों पर आयोजित करते हैं। उसी तरह वर्ली सागरी कोली सी फूड फेस्टिवल का यह पांचवा साल है जो लगातार 3 दिन तक चलते रहता है। यहाँ पर हर तरह के मछलियों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके लिए कई कोली समाज दूर दूर से आकर फूड की बिक्री करते हैं। साथ ही यहाँ पर भारतीय ही नहीं तो विदेशी लोग भी स्वाद का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। कई जानते हैं लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम शेख रिजवान है, शेख रिजवान। मैं महालक्ष्मी पे रहता हूँ। मैं साल में ये जब भी कोली प्रोग्राम होता है, जहाँ भी होता है, मैं हर जगह जाता हूँ। आई एम अ फिश लवर और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। साल में 2 मरतबा होना चाहिए। विथ माय फैमिली के साथ आया हूँ। मेरा पूरा परिवार है यहाँ पे, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, सब लोग है बच्चों के साथ में। और ये प्रोग्राम जहाँ भी होता है हम लोग सब मिल के जाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। और बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है ये। और हम जहाँ भी रहेंगे तो इसके लिए हमको बुलाया जाता है लोग। और बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है और हमारे सब दोस्त मित्र लोग खा रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे। जो भी आते हैं सब महिला लोग बहुत मेहनत से और बहुत टेस्टी फूड बनाते हैं। हमने सुरमई खाया, बहुत टेस्टी था। रावस खाया, बोमिल खाया। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड टेस्ट और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। नाम है सावित्री मडकर। साल हो गए हम लोग यहाँ आ रहे। हम लोग वैसे किया है, नायगांव किया है, जोगेश्वरी किया है, गोरेगांव किया है, थाना किया है। 10 दिन का थाना में किया है फेस्टिवल का। तो का टेस्ट हम लोग सब जनते के सामने रख सकता है। हमारा कोली पैटर्न का टेस्ट कैसा बनाता है वो सब टेस्ट हम लोग वो लोग तक पहुंचाने का ट्राई करते हैं। मीट है, लॉबस्टर है, सुरमई है, रावस है, झींगा है। जैसा भाव रहेगा वो हिसाब से दाम लगाया है। बाजार में जो दाम मिलेगा वो हिसाब से भाव लगाया है, सेम भाव नहीं रहता है। गिरिजा अनिल सर्वदे, बीड़ से। साल हो गए आ रहे। बांद्रा, पवई, कल्याण, डोंबिवली, अजून कामोटा। चिकन मटन, सावजी चिकन, सावजी मटन, मराठवाड़ी स्पेशल बनाया है। ज्वारी बाजरी भाकरी बिरयानी, ये सब हमारे स्पेशलिस्ट है। हमारे सब मराठवाड़े को नहीं बोलते ना, सब मालवानी, कोली, आगरी यही पूछते हैं। तो हमने मराठवाड़ा का सामने लाने का ही किया है। सावजी स्पेशल हमारा मसाला है, वो सबसे अलग है और सब लेडीज लोगों ने बनाया है हाथ से अपने। उसमें कुछ
कुछ केमिकल हो कुछ नहीं है। मेरा विचार है, मैं मेरी वाइफ के साथ आ गया हूँ, तो यहाँ पे हर साल कोली फेस्टिवल रहता है, तो हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से जिधर जहाँ जहाँ पे रहता है वैसा पे अंधेरी में किधर भी रहता है, तो मैं यहाँ पे जाके टेस्ट करता हूँ। तो ऐसा मतलब फूड कभी अपने अपने होटल में भी नहीं मिल सकता, इतना यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है और इसका प्राइस रेट भी बहुत अच्छा रहता है, जितना होटल में नहीं खा सकते उतना यहाँ पे खा सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। आई लाइक सी फूड। कोली महोत्सव में कई उच्च पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं, वही शिवसेना के पदाधिकारी संदीप पाटिल ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा ये जानते हैं। अभिजीत पाटील, मी या वरळी सागरी कोळी महोत्सव समितीचा अध्यक्ष आहे। यंदा हे पाचवं वर्ष आहे, वरळी सागरी कोळी महोत्सव समितीनी पाचव्या वर्षी हा कार्यक्रम सुरुवात केलेली। त्या कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट एवढं होतं की मुंबईमधली जेवढे कोळीवाडे आहे ते कोळीवाड्यामधल्या कोळी भगिनी आहे इथे आव्यात आणि त्यांनी आपली कलाकृती दाखवण्यासाठी हा महोत्सव मी इथे साजरा करतो आहे। त्याचं एक एकमेव उद्दिष्ट म्हणजे कोळी महिला दारोदारी कच्चे मासे विकत होते पण त्यांचीच सर्व मुंबईकरांना चाकते यावी, त्यांना रोजगाराचं माध्यम आम्ही या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलं आहे। आज या वळी सिपेजवर एवढ्या प्रचंड प्रतिसाद आज मुंबईकरांचा मिळतो आहे, त्यामुळे आज काही जे नागरिक येतात आहे त्यांचं म्हणणं आहे की आज वर्षातून एकदा हा महोत्सव होतो कोळी महोत्सव, तो वर्षातून 3 ते 4 वेळा व्हावा अशी त्यांची खरंच इच्छा आहे। आणि कोळी महिलांना कुठे रोजगार देण्यासाठी आमच्या वळी सागरी कोळी महोत्सव समितीतर्फे हा उपक्रम आम्ही यंदा 5व्या वर्षी राबवलेला आहे। कार्यक्रम करताना मुंबई महानगरपालिका पोलीस प्रशासन यांच्या पहिल्या आम्हाला अडचणी आल्या, पण महानगरपालिकेचे आमचे सहाय्यक आयुक्त आहे त्यांनी सुद्धा आम्हाला सहकार्य केलं, पोलीस प्रशासनाचे अधिकाऱ्यांनी पण आम्हाला सहकार्य केलं, त्यामुळे आता याच्यानंतर आणि विशेष म्हणजे हा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाला विदेशी पर्यटकांची भेट वाढत चालल्यामुळे महाराष्ट्र टुरिझम महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाने आम्हाला एक स्पेशल ग्रेड दिले त्यासाठी की विदेशी पर्यटक या ठिकाणी येतात म्हणून आमच्या संस्थेला। जे कोळी बांधव यांचे 20 स्टॉल लागले आणि वैशिष्ट्य म्हणजे मुंबईतील प्रत्येक जे कोळीवाडे आहे ते एक कोळीवाड्यामध्ये प्रत्येकी 3-3 स्टॉल येतात, जेणेकरून आमचं उद्दिष्ट असं आहे की प्रत्येकाचे नातेवाईक या दरम्यान 3 दिवस महोत्सव प्रत्येकाचे नातेवाईक जे मुली दिले असतात कुठच्या गावाला ते सर्व एकत्र भेटतात, याचं एक मूळ उद्दिष्ट आमचं ते आहे। मेरा नाम आकर्षिका अभिजीत पाटील, ये वरळी सागरी कोळी सी फूड फेस्टिवल है, इस बार का ये 5th ईयर है। ये स्पेशली वरलीकर जो है हमारे जो कोली लोग उनको एक प्लेटफॉर्म मिले इसलिए हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और जैसे कि आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये साल में सिर्फ 3 डेज के लिए होता है, लेकिन वरलीकर जो है यहाँ के, सिर्फ वरली के ही नहीं, वर्सोवा से लेके वसई से लेके जितने भी कोलीवाड़ा है वहाँ के लोग यहाँ पे आके स्टॉल करते हैं, अपना रोजगार करते हैं। वैसे ही जो पब्लिक है वो हर एक जगह से आके कोऑर्डिनेट करता है, साथ देता है, एंजॉय करता है स्पेशली। तो फिर ये इस बार का सक्सेसफुल 5th ईयर ऑर्गेनाइज हुआ मैं कहूँगी। थैंक यू। और मैं खास करके धन्यवाद दूंगी पुलिस BMC का, जिन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया है। जैसे आप देख सकते हैं इतना पब्लिक है तो उनको मैनेज करना भी डिफिकल्ट है, फिर भी हमारे जो पुलिस भाई है वो अपना काम पूरे अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और वैसे ही हमारे जो कोली संस्था के लोग हैं उन संस्था के लोगों को मैं खूब खूब धन्यवाद दूंगी जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया है। अनुपमा आत्माराम परब, शिवसेना वरळी विधानसभा संघटक। या वरळी वरळी चौपाटीवरती गेली अनेक वर्ष म्हणजे 5 वर्ष आमचा शिवसेनेचा युवा अधिकारी अभिजित पाटील हा कोळी महोत्सवाचं आयोजन करतो आणि या आयोजनामध्ये अनेक मला वाटतं वरळी कोळीवाड्याच्या या वरळी चौपाटीवरती जवळजवळ आता मी पाहिलं मुलुंडपासून ते गिरगाव चौपाटीपासून अनेक जण या कोळी महोत्सवाचं कोळी महोत्सवामध्ये हे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे खाद्य आहे कोळी आपल्या ज्या महिला बांधव आहेत बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचं इथे खाद्य बनवलेलं आहे माशांचं, ते खाण्यासाठी अनेक लोक तुम्ही इथे बघाल अतिशय गर्दी झालेली आहे। पहिल्या वर्षी आम्हाला अतिशय कमी लोकांची गर्दी, पण आता हे अंदाजे 5व्या वर्षामध्ये अनेक अतिशय गर्दी, म्हणजे लोक आम्हाला स्वतःहून सांगतात, विचारतात तो किती दिवस आहे, म्हटलं नाही आजचा शेवटचा दिवस आहे, पण अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्याच्यामधून आम्ही लोकांना की ही जी मुंबईमध्ये ह्या कोळी बांधवांनी जे वेगवेगळ्या पद्धतीचं मला याचं बांगड्याचं टिकलं आहे त्याच्यामध्ये एक सुरमई आहे, तळलेली वडे आहेत त्यांच्या, अगदी भाकऱ्या आहेत, म्हणजे कोळी बांधव जे जे इतके अतिशय सुंदर पद्धतीने जे करत आहेत
या मुंबईतल्या लोकांना अतिशय चटकदार असं खाणं, काही लोकांच्या घरी न बनवलेलं असं सुंदर खाद्य इथे आलेल्या लोकांना हे खायला मिळतं। त्यामुळे ह्या शिवसेनेच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर असं हे आयोजन केलेलं आहे, युवा सेनेच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर आयोजन केलेलं आहे आणि या आयोजनाचा लाभ संपूर्ण मुंबईतील अगदी कानाकोपऱ्यातून लोक येत आहेत, ज्यांना ज्यांना कळतं आहे ते लोक इथे या कोळी महोत्सवामध्ये सहभागी होऊन या माशांचं खाद्य घेण्याची त्याची मजा लुटत आहेत।